और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं हालांकि पत्ते तो ये खोल नहीं रहे हैं लेकिन लगातार ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से इनके दौरे लगे हुए हैं नेताजी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं टिकैत साहब कैसा चल रहा है चुनाव फिलहाल मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों का हमको चुनाव की तो ज्यादा जानकारी है नहीं नंदोलन तो... खत्म होने के बाद भी आप इतने व्यस्त हैं अच्छा व्यस्त क्यों नहीं रहेंगे अगली फसल भी देखनी ये जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं ये दूध का काम करती हैं इनके पास में जमीन नहीं है दूध की पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही थी तो इनको बताना पड़ेगा इनको पता भी नहीं है कि भारत सरकार डेयरी प्रोडक्ट बाहर से जा रही है और उससे इनको क्या नुकसान होगा इनको नहीं जानकारी किसी को तो भारत सरकार जो कर रही है आप उसको लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल पहुंचाने का काम कर रहे जो गन्ना यहाँ पे हम गन्ने के खेत में है इसका एक साल में भुगतान होता है वो इन किसानों को पता रहना चाहिए कि एक साल में भुगतान क्यों होता है लोग तो बता रहे हैं कि आजकल आपको साइकिल की सवारी भी पसंद आ रही है और जगह जगह जाकर आप हैंडपंप भी चला रहे हैं। ना, ना जहाँ उस पर आप कहना चाहते हो उस लाइन पे नहीं हम जाते किस लाइन पे जा रहे हैं आप हम तो किसान के इशू पे गाँव के इशू पे गरीब के इशू पर उस पर जाते हैं हम आप खोलकर बताना नहीं चाहते हैं कि आप किस तरह से कुछ ऐसे विरोधी दल हैं जिनका समर्थन कर रहे हैं लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में जब आप लोगों की यहाँ पर बड़ी किसान रैली हुई थी आ, मेरी भी मौजूदगी थी आ, जिसमें आपने नारे भी बहुत लगवाए थे और बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात भी कही थी आ, नारे तो लगवाए थे बदल गए हैं नारे क्या लगवाए थे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे हुए थे ये अल्लाहू अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं ये जिनका खेत है ये अल्लाहू अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं और ये ये ट्रैक्टर भी इन्हीं नहीं गई है अब बताओ हमको खेत को क्यों अलग करो ट्रैक्टर अल्लाह अकबर वालों का है हाँ और उस उसमें जो किसान बैठे हैं वो हर हर महादेव वाले वो कुछ हर हर महादेव वाले अल्लाहू अकबर वाले दोनों एक जगह बैठे ही बैठे दोनों अच्छा तो एक बात तो बताओ ऐसे नारे लगवाकर आपने बीजेपी को हराने की बात तो बताओ अगर गन्ने का भाव मिलेगा तो यू अल्लाह अकबर को भी मिलेगा भाव कमती बी रहेगा अगर ये हो देश में कि भाई हर, हर महादेव का नारा लगा के इनका रेट तो मिलेगा नहीं और हर हर महादेव वालों को मिलागा तो भाई वो बता दो फिर या इनको नफा होगा नुकसान होगा यहाँ मुद्दा ये है ही नहीं यहाँ मुद्दा नहीं मुद्दा है न नहीं है। नहीं है। मुद्दा ये यहाँ पे बनेगा यहाँ पे दो हजार सत्रह में तो बड़ा मुद्दा बना था दो हजार तेरह का मुजफ्फर दो हजार तेरह का मुजफ्फरअर नहीं रहा अभी नहीं रहा ना ये यहाँ पे जो स्टेडियम है अब यहाँ खेलकूद का स्टेडियम बनेगा यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग का स्टेडियम मुझे फरगर में नहीं बनने देंगे पॉलिटिकल स्टेडियम कोई बनाने की कोशिश करेगा कौन बना रहे पोलिटिका पोलिटिकल कर बता तो नहीं नहीं करने लगे पोलिटिकल स्टेडियम बनाने का काम करेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे ये पॉलिटिकल स्टेडियम नहीं है यहाँ पे किसके बक्कल उतारेंगे पॉलिटिकल स्टेडियम बनाएगा कौन नाम कोई भी कौन, कौन सी पार्टी कोई भी बनाने की कोशिश करेगा वो नहीं बनेगा यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार दमदार सरकार है और दंगाइयों के सामने जो लोग झुक गए वो दमदार है किसके लिए बोल रहे हैं अब पता नहीं किसके लिए बोल रहे दंगाई किसको कह रहे यही आने का क्यों बयान दे दंगाई कर उसका अब यहाँ ही नहीं कोई दंगा ही नहीं रहा अब यहाँ पे दंगों का दर्द है यहाँ पर मुद्दा या फिर नहीं है इस ना उनके तो फैसले करे इन्होने आपस में बैठ के दोनों ने यहाँ कोई नहीं आया सरकार के आदमी सरकार के लोग तो ये चाहते थे कि इनको सजाएं हो जाए और वो मुद्दा हमेशा गर्म रहे ये तो बैठ के जब दोनों की समझ में आ गए इन्होंने फैसले करे उसमें बैठ गए